इसे ढूंढने के लिए यहाँ आई थी। नहीं पापा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो जारा का सूट ढूंढ रही थी कि ये डायरी मिल गई। किसी और की डायरी या खत नहीं पढ़ा करते, इतना तो हमने तुम्हें सिखाया ही था। फिर तुम जारा की डायरी क्यों पढ़ रही थी? आप मुझे गलत समझ रहे हैं पापा। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं, और वैसे भी मुझे जारा की डायरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जारा और समर के पास्ट के बारे में मैं सब कुछ जानती थी। ये राज मैंने कब से अपने सीने में दबा रखा है पापा। आप तक से कभी जिक्र नहीं किया इस बारे में, और आप मुझी पे शक कर रहे हैं। नहीं सीना, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूं। मुझे तो जारा की फिक्र है। उसने जो कुछ किया था वो सब कुछ तुम्हारे लिए किया था। याद है पापा, एक एक बात याद है। लेकिन ये डायरी किसी के हाथ में लगनी चाहिए। हाँ पापा, बल्कि आपको ये डायरी यहाँ रखनी ही नहीं चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर गलती से भी किसी के हाथ लग गई तो हमारी जारा की जिंदगी में तूफान आ सकता है। एक काम करती हूँ पापा, इसे मैं ले जाती हूँ। इसे डिस्ट्रॉय कर देना ही बेहतर होगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। चलती हूँ पापा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शिरीन आ रही है वो। ओफो, तुम्हें भी इस वक्त आना था क्या? तुम्हारा ही फ्यूचर देख रहा था मैं। क्या देख रहे थे आप? बड़ा अजीब सा था। मैंने देखा कि शिरीन पीले कपड़ों में आ रही है और वो गुलदस्ते से टकराती है, और फिर तुम उसके सामने आ जाती हो। वो तुमसे खाने के लिए काजू मांगती है और तुम उसे कहती हो कि मैं अभी जाके जारा से लेकर आती हूँ, और उससे वादा करती हो कि तुम हमेशा उसे अपनी बच्ची की तरह ट्रीट करोगे। फिर अचानक वो सपना आगे पहुंच गया। मैंने देखा कि तुम्हारा इंतकाल हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। और क्या देखा? मतलब तुम जल्दी इंतकाल चाहती हो? अरे ये नहीं है मेरे कहने का मतलब। अजी, मेरे कहने का मतलब है मेरी जन्नत तो कंफर्म हो गई। अब वो तो पता नहीं कब होगा। शाबाश, मेरी बच्ची जीती रहे, खुश रहे। अब तुम्हें इनके सपना पूरे होने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सपना? अच्छा मां, वो सब छोड़ो। हाँ। मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। काजू खाना है तुझे, काजू। आपको कैसे पता? अब मैं चलती हूँ। कहाँ? जारा बेटी के पास। जारा बेटी, जारा बेटी। जारा ने ये डायरी लिखते वक्त कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो अपने ही हाथों अपनी बर्बादी लिख रही है। समर के साथ बिताए एक एक पल का हिसाब है इसमें। उनकी मोहब्बत का एक और सबूत, रेड रोज। लगता है समर को रेड रोज़ेस बहुत पसंद है।
रहा है? दीप अमन मेरे रूम में खेलते खेलते सो गया, उसे यहाँ लाना है या? Come on, Zara. अमन तुम्हारे पास रहे या मेरे पास, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी अब चीजें पहले जैसी नहीं है, सब कुछ बदल गया है जारा। जानती हूँ दी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपके मन से सारी कड़वाहट निकल गई। अच्छा अब काफी रात हो चुकी है, आप आराम कीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे जारा, तुम्हें याद है ना कि कल क्या है? क्या है? कल समर का बर्थडे है, याद आया? हाँ वो जारा, मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर समर को एक अच्छी सी ट्रीट दें, और स्पेशली तुम, उससे तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है, क्यों, क्या ख्याल? ठीक है, जैसा आप सही समझे, चलती हूँ। आज रात तो अच्छी हो सकती है, लेकिन कल सुबह क्या होगा, इसका तो तुम्हें एहसास भी नहीं है जरा। कुछ याद आया समय? भूले तो नहीं होगे, लेकिन फिर भी मैं याद दिला देती हूँ। थर्ड ऑफ जून, आज तुम्हारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे समर। मैं अपनी पसंद के रेड रोजेस लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। सारा, हैप्पी बर्थडे समर। मैं तुम्हारे लिए अपनी पसंद के रेड रोजेस लाई हूँ, तुम्हें पसंद है ना? नहीं। ये मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ये तुम्हें पसंद है, मेरी पसंद मेरी आंखों के सामने है। यादें हैं इस डायरी में जो गलती से मुझे मिल गई। सारा तो तुम्हें धोखा देकर छोड़कर चली गई, लेकिन तुम आज भी उसकी यादें अपने दिल में लिए इधर उधर भटकते रहते हो। मुझे कुछ भी याद नहीं है, सब कुछ भूल चुका हूं मैं। किससे झूठ कह रहे हो समर? मुझसे? अपने आप से? समर, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें तुम्हारा ख्वाब एक बार फिर से मिल सकता है। ओ शट अप सीनत, बेहतर यही होगा कि तुम अभी इसी वक्त चली जाओ यहां से, वरना मैं जाओ समर, जाओ और जाकर सबको सब कुछ बता दो। बता तो तुम दोगे, लेकिन तुम्हारी बात पे यकीन कौन करेगा समर? और अब तो तुम्हारे पास सबूत भी नहीं है, क्योंकि वो गुंडा कल रात को ही जेल तोड़कर भाग गया है, तो फिर कैसे साबित करोगे? लेकिन अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी और जारा की प्रेम कहानी एक मिनट में सबके सामने पढ़ सकती हूँ। उसके बाद आमिर जारा को अपनी जिंदगी से, इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। आखिर तुम चाहती क्या हो? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी और जारा की जिंदगी एक मिनट में बर्बाद कर सकती हूँ समर, सोच लो।
तुम्हें क्या फैसला करना है, अपनी और जारा की बर्बादी या अपना खोया हुआ प्यार? सारा, फैसला ले लो और मुझे बता देना टेक केयर समर। ठीक है जरा, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। क्यों आमिर, आज कोई खास वजह है क्या? अरे जीनत ने तुम्हें बताया नहीं कि आज हम चारों, तुम, मैं, जीनत और समर डिनर पे जा रहे हैं, समर का जन्मदिन सेलिब्रेट करने। जीनत ने तो टेबल भी बुक करा दिया है। हाँ वो देखो, ये ठीक नहीं है जरा, समर से तुम्हारा रिश्ता तो शादी से पहले का है, तुम दोनों की दोस्ती, और तुम उसका बर्थडे भूल गई। जी वो दिमाग से निकल गया। तो आजकल ये दिमाग कहाँ रहता है भाई? लगता है मेरी बीवी आजकल मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही है। हाँ, किसी और चीज का ख्याल ही नहीं रहता। भाई जरा शाम को जल्दी आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। और हाँ, समर को विश करना नहीं भूलना। ओके, सच कहा आमिर आपने, मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ आप ही का ख्याल है। गुजरा हुआ कल तो मेरी यादों में भी नहीं है और ना ही कभी आएगा। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear summer. Happy birthday बेटा। बेटा ये तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट, ब्रांड न्यू कार। Wow. Thanks, Dad. This is awesome. लेकिन पापा इसका तो कोई यूज नहीं है, भैया तो वापस लंदन जा रहे हैं। अरे भाई जिंदगी भर थोड़ी ना विदेश में रहने वाला है ये। ओहो, जब मैं वहाँ जाऊँगा ना तो तुम इसे यूज करना। थैंक यू भैया। आप कुछ कहूंगी समर बेटा तो बुरा मान जाओगे, लेकिन हमसे पहले यहाँ जरूर कोई आया था तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए। कौन था? कल रात मेरे कुछ दोस्त आए थे तो उन्होंने ये सरप्राइज पार्टी। सिर्फ दोस्त या फिर गर्लफ्रेंड? हाँ। अरे भाई क्यों आज के दिन मेरे बेटे के पीछे पड़े हो तुम लोग? जवान है, हैंडसम है, अब लड़कियां रेड रोज नहीं भेजेंगी तो और क्या भेजेंगी? मैं भी तो यही जानना चाहती हूँ कि कौन है वो खास लड़की। भाई ऐसी लड़की कौन है जिसे रेड रोजेस इतने ज्यादा पसंद है, ताकि अगर हमें पता चल जाए तो हम भी जाकर उससे तेरे रिश्ते की बात पक्की कर देते। अब ये तो समर ही बता सकता है भाई कि कौन है। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो समर। Thanks, Anna. You're the last person to wish me. मुझे लगा कि शायद तुम भूल गए, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम यह तारीख कभी नहीं भूल सकती। लेकिन फिर भी आज जिंदगी में जहां तुम हो वहां याद रखने की कोई वजह भी तो नहीं। Thanks for wishing me anyways. Zara, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ तुम्हारी दी के बारे में। शीघ्र से मुझे बहुत कुछ पता चला कि पिछले दिनों में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है समर, पिछले दिनों में दी को कुछ गलत फहमियाँ हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। दी बिल्कुल बदल गई है, ऐसा लगता है मुझे मेरी पुरानी दी वापस मिल गई है। सचमुच बदल गई है जीनत। तुम्हें पता नहीं जारा कि जीनत क्या चाहती है। जब तुम उसका असली रंग देखोगी ना तो नफरत करोगी अपनी बहन से। क्या सोचने लगे समर? जारा, मैं तुमसे और कुछ कहना चाहता हूँ जीनत के बारे में।
क्या कह रहे हो मेरी बहन को? मेरे ही बारे में मेरी तारीफ कर रहे हो या बुराई? तारीफ तो ये कर रही थी मैं तो बस। अच्छा छोड़ो ये सारी बातें, आज तुम्हारा बर्थडे है समर, जश्न का दिन है और तुम तो सोच भी नहीं सकते जारा ने तुम्हारे लिए क्या क्या प्लान किया है। जी अब मैं डिनर की बात कर रही हूँ जारा, तुमने अभी तक समर को बताया नहीं। समर, जारा ने तुम्हारे लिए डिनर प्लान किया है। आमिर, मैं, तुम, जारा, हम सब डिनर के लिए जाएंगे। तो ये सब तुमने प्लान किया? हाँ हाँ, वो तुमने प्लान किया तो फिर आना ही पड़ेगा। आज ट्रॉली भी बाय। दी, आपने समर से ये क्यों कहा कि मैंने डिनर प्लान किया है? ये सब तो आपने किया है ना जारा। समर ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। डिनर मैंने प्लान किया, नाम तुम्हारा ले लिया, और क्या फर्क पड़ता है, एक डिनर ही तो है। तुम प्लान करो या मैं, एक ही बात, हम दोनों अलग थोड़ी ना है। तुम टाइम पे तैयार रहना, ओके? वाह, बहुत अच्छे लग रहे हो और बहुत खुश भी, और क्यों ना हो भाई, तुम्हारी जारा ने सिर्फ तुम्हारे लिए ये स्पेशल डिनर जो प्लान किया है। मैंने तुमसे हजार बार कहा है कि मैं जारा को भुला चुका हूँ, तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है सीना। कोशिश ही तो कर रही हूँ, करने दो, अगर नहीं करती तो जिंदगी भर का अफसोस रह जाता है। और कहते हैं ना, वादा तो टूट जाता है लेकिन कोशिशें फिर भी कामयाब हो जाती हैं। तो ठीक है, एक दिन का मौका है तुम्हारे पास, क्योंकि कल के बाद तुम्हें ये मौका भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं लंदन वापस जा रहा हूँ, और ये रही मेरी टिकट्स। लेकिन जाने से पहले इतना जरूर कहूंगा, इस बार तो माफ करने की गलती करके जा रहा हूँ, लेकिन दोबारा जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की ना तो सारी हद तोड़कर कुछ भुलाकर मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा ना जो तुम सोच नहीं सकती हो सीमत। जानते हो समय, जब तुम इस तरह से जारा के बारे में बातें करते हो तो मुझे डर बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि तुम्हारी आंखों में ये अंगारे देखकर मेरा यकीन और पक्का हो जाता है कि तुम्हारी वो आग आज भी बुझी नहीं है। अच्छा, वेरी गुड, इसी इंतजार में तुम्हारी उम्र निकल जाएगी, बूढ़ी हो जाऊंगा, क्योंकि इस बार जब मैं गया ना तो दोबारा लौटकर शायद वापस कभी नहीं आऊंगा। यू अंडरस्टैंड दैट? वापस आने की बात तो तब आती है समर, जब तुम चाहोगे। आज रात जो मैंने तुम्हारे लिए प्लान बुना है उसमें फंसकर तुम्हें अपनी जिद तो छोड़नी ही होगी, नहीं जा पाओगे तुम। कल तुम लंदन नहीं जा पाओगे समर, ये मेरा वादा है तुमसे।